जवान जी, आज से 12 साल पहले 9 साल सर किए थे और उसके बाद से मैं कर रही हूँ। पहले महीने का जो पे आउट था वो 32 रुपये था और हाईएस्ट जो है 18 लाख प्लस। यहाँ से 3 गाड़ी अचीव कर चुकी हूँ, चौथे की तैयारी है। और सर जब थे तो एक घर लिए थे, वो भी फाइनेंस कराए थे और उनके जाने के बाद 4 से 5 प्रॉपर्टी मैं बनवाई हूँ, विदाउट 1 रुपये भी फाइनेंस नहीं कराई हूँ। ये सब कर पाई हूँ सिर्फ इस सिस्टम की वजह से, और एक भी मीटिंग ट्रेनिंग मिस नहीं करती हूँ, इसी तरह से आते रहती हूँ। और सर जब बता रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी याद आती थी, क्योंकि उस टाइम में तो नहीं कर रही थी, हस्बैंड करते थे। कि रिश्तेदार हैं या आपके कोई भी अनुमान है वो हमेशा निगेटिव चीज़ें कहते हैं, और ये चीज़ मैं भी जानती हूँ, क्योंकि जब सर जाते थे कोई भी हम फंक्शन अटेंड नहीं करते थे तो सब बहुत निगेटिव बातें करते थे। लेकिन अगर वो वहाँ पे रुक जाते तो शायद आज लाइफ ख़त्म हो जाती हमारी, हमें नहीं पता था, उनको पता था कि हाँ हम अपने फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। सर जैसे बता रहे थे जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत मैच कर रहा था हस्बैंड की लाइफ से, सब चीज़ें मुझे याद आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें। और मैं यही सोच रही थी कि शायद अगर वो बैठ जाते तो आज ये सब नहीं होता। 3 बच्चे हैं, उनको एक अच्छी लाइफ दे पा रही हूँ सिर्फ इसी सिस्टम की वजह से। आज मेरी बेटी कल आ जाएगी, उसको MBBS करा रही हूँ। तो ये सब अगर सब चाहते हैं, क्योंकि जैसे सर बता रहे थे कि हमें पता नहीं है कि हमारे साथ कल क्या होगा, लेकिन हम 10 साल पहले का विजन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस पर काम कितना करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बाद हमारे बच्चों को हम क्या दे पाएंगे ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए करिए। अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये सोच के करिए कि हाँ हमें आगे की जिंदगी अपनी फैमिली को कैसे देनी है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम राजीव शर्मा है, बाई प्रोफेशन इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में 2012 मार्च में इस बिजनेस को ज्वाइन किया। शुरुआत में पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया सीखते हुए, जैसा कि आज यहाँ बहुत सारे नए लोग आए होंगे। शुरुआत में जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें चारों तरफ से तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे समय में इस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इसी तरह के CNT और सक्सेस सेमिनार का हम पार्ट बनते हैं, जैसा आज हमने सरोज जी से सीखा, हम सभी लोगों की जिंदगी में इस बिजनेस में शुरुआत में वो सभी चैलेंजेस आए होंगे। माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो हमें इस बिजनेस में जिंदा बचा के रखता है, और बहुत अच्छे तरीके से आज सरोज जी ने हमें इस बारे में बताया। इस बिजनेस में यदि सफल होना है तो हमें इस तरह की CNT और सक्सेस सेमिनार का पार्ट बनना होगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम इस ग्रॉस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने। इस बिजनेस की जब शुरुआत करी थी तो एक लाल रंग की पैशन हुआ करती थी, होंडा मोटरसाइकिल, और सपने थे कि बहुत बड़ा होगा, यहाँ से एक अच्छी इनकम आएगी, हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होगी। एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने, सीखते गए, करते गए, रिजेक्शन हैंडल करते गए, और आज इस बिजनेस की बदौलत, इस ग्रॉस एजुकेशन सिस्टम की बदौलत दोस्तों मेरी हाईएस्ट इनकम यहाँ से 10,52,000 रुपए है। 10 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुका हूँ। वो हीरो होंडा जो पैशन मोटरसाइकिल थे वो आज मर्सिडीज बेंज में कन्वर्ट हो गई है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी और आगे बहुत जाना है, और आप सभी लोगों को इस स्टेज पर यहाँ लेकर आना है। तो इसी तरह से CNT और सक्सेस सेमिनार में आते रहिए, एक दिन आप भी स्टेज पर होंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम संतोष यादव है, और वेस्टीज से पहले मैं LIC का काम करता था और प्राइवेट जॉब करता था। अप्रैल 2012 में मुझे वेस्टीज में आने का मौका मिला, और इस पूरे माहौल को जब देखा एक बार ड्रीम बिल्ड हुआ, और जब ड्रीम बिल्ड हुआ तो इसके सिस्टम को जाना और सिस्टम पर काम करना चालू किया। ड्रीम बने, बड़ा घर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, यंग रिटायरमेंट होना चाहिए, ये सब रिटर्न में हुआ। ग्रोथ के सिस्टम से सीखा, काम करता गया, और अभी जो भी समय बीता आज ये सब कुछ अपने पास अवेलेबल है, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, यंग रिटायरमेंट है, सब कुछ इन चंद समय में हुआ। जानना चाहते हैं सब कैसे हुआ? पहली चीज जो आपको सरोज भाई ने इतनी बढ़िया तरीके से आपको माइंडसेट और वर्किंग स्टाइल बताया, अगर आप उसे अपना बनाकर, सपने बनाकर फील्ड में लगातार काम करेंगे और यहाँ लगातार मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे और ग्रोथ एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। और अभी मैं कहना चाहूंगा, अभी सर आएंगे जो हम सब के गुरु हैं, जिन्होंने हम सबको बनाया है,
ध्यान पूर्वक बैठ करके उनकी एक एक बात को नोटिस करना, सुनना और सुनने के बाद अप्लाई कर देना अपने पास, आने वाले 3 साल के अंदर आप भी लग्जरी लाइफ जिएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।